top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उसकी वेबसाइट पे पुल करके वो आ जाएगा सामने, जैसे लेटर बेसलाइन डेटा का इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑन बेसलाइन डेटा ऑफ दिल्ली। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग है उन्होंने लेटर इसमें आ रहा है कि हम आपको लेटर आ रहा है कि हम आपको जो है ये चीजें भेज रहे हैं और आप इसके आधार के ऊपर विजन 2030 बना करके दीजिए। अब इसके अंदर जो है ये लेटर सारा का सारा इसमें नजर आ रहा है, लेटर इसके साथ में है, लेकिन जब आप वापस इस पे जाएंगे देखेंगे बेसलाइन डेटा को अगर आप दबाएंगे तो ये बेसलाइन डेटा आपका इसमें कुछ नहीं है क्योंकि बेसलाइन डेटा इससे हटा दिया गया। तो लेटर है कि हम आपको बेसलाइन डेटा भेज रहे हैं लेकिन बेसलाइन डेटा गायब, और वो बेसलाइन डेटा जब इन्होंने डाला और गायब किया फॉर्चुनेटली उस बीच में हमने उस बेसलाइन डेटा को डाउनलोड कर दिया। बात का द्योतक है कि किस प्रकार से बच्चे मिड डे मील की स्कीम में उनकी तबीयत खराब हुई है, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं किया था, मालवीय नगर इलाके में ही लगभग 10 दिन पहले डी वार्मिंग के दो बच्चों को दिए गए थी, दवाई दी गई थी, उसको खाते ही उसके बाद से 40 बच्चे वहां पर उनकी तबीयत स्कूल में खराब हो गई। तो ये कोई पहला अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंस नहीं है, लगभग 10 दिन पहले 40 बच्चों की तबीयत डीवॉर्मिंग का उनको खिलाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनको भी हॉस्पिटल में ले जाया गया और 4 बच्चों को उस टाइम पे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो ये इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार से सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देने की बजाय पूरे देश भर के अंदर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरी करने में ये लोग लगे हुए हैं। इससे ज्यादा हैरानी की क्या बात हो सकती है कि केजरीवाल जी को इतना समय भी नहीं मिला कि 2 वर्ष पूरा होने के ऊपर अपनी सरकार की रिपोर्ट कार्ड भी दिल्ली की जनता को प्रस्तुत कर सके। तो जो मुख्यमंत्री को इतना भी फुर्सत नहीं है, इतना भी समय नहीं है कि अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता को प्रस्तुत कर सके, तो आप उस सरकार से और क्या उम्मीद करेंगे।